नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया मिरर। आप मंदिर, मस्जिद, भूमि पूजन और रामराज की झांकियां देखने में लगे रहिए। उधर सरकार ने यूपीएससी भर्ती घोटाला कर दिया है। मीडिया और लोगों का ध्यान यूपीएससी भर्ती घोटाले से हटाने के लिए परिणाम घोषित करने का दिन 5 अगस्त चुना गया। 5 अगस्त को जब पूरे देश की निगाहें राम मंदिर भूमि पूजन पर लगी थी, तो उधर धीरे से यूपीएससी ने 2019 के परिणाम घोषित कर दिए। यूपीएससी ने 927 पदों के लिए परीक्षा कराई थी और परिणाम 829 पदों का घोषित किया है। 82 पदों का परिणाम अभी नहीं घोषित किया गया है। ये पद बाद में लेटरल एंट्री यानी सरकार के अनुमोदन पर सीधे भरे जाएंगे, जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लेटरल एंट्री के पद आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। यूपीएससी 2019 के परिणाम में ओबीसी, एससी और एसटी के साथ धोखा किया गया है। यह सब इतनी सफाई से किया गया है कि पहली नजर में देखने पर कोई भी धोखा खा जाएगा। 927 पदों के विज्ञापन में 397 समान, 83 ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 251 ओबीसी, 129 एससी तथा 67 एसटी कैटेगरी के लिए पद रिजर्व हैं। 5 अगस्त को घोषित यूपीएससी के परिणाम में जनरल के 304, ईडब्ल्यूएस के 78, ओबीसी के 251, एससी के 129 और एसटी के 67 नाम हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें बहुजन के साथ धोखा कैसे हुआ है? विज्ञापन में उनके लिए जितने पद दिए गए थे, वे पद उन्हें मिले हैं। आप गलत सोच रहे हैं। ओबीसी, एससी और एसटी के साथ धोखा हुआ है। ये सरकार की ओबीसी, एससी और एसटी को उच्च पदों से वंचित रखने की साजिश है। सरकार नहीं चाहती है कि बहुजन समाज के लोग आईएएस जैसे उच्च पदों पर बैठें। इसको समझने के लिए प्रोफेसर दिलीप मंडल का ट्वीट देखें। वे बताते हैं कि 98 ओबीसी, एससी और एसटी ने जनरल कैटेगरी में जगह बनाई थी, जिन्हें जानबूझकर रिजर्व कैटेगरी में धकेलकर सरकार 15% सवर्णों को 50% आरक्षण दे रही है, और सरकार द्वारा यह सब लिटरल एंट्री से किया जाएगा। उन्होंने यूपीएससी मॉनिटरिंग कमेटी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने एक भी ओबीसी, एससी और एसटी मेंबर को यूपीएससी मॉनिटरिंग कमेटी में लाया होता, तो शायद यह घोटाला नहीं होता। उन्होंने कहा है कि 11 सदस्य यूपीएससी कमीशन को भंग किया जाए और 6 पदों पर ओबीसी, एससी और एसटी के सदस्य लाए जाएं, वरना ओबीसी, एससी, एसटी के साथ ऐसे ही भेदभाव होता रहेगा। प्रोफेसर दिलीप मंडल के संज्ञान लेने के बाद ट्विटर पर हैशटैग यूपीएससी स्कैम टॉप 3 में ट्रेंड करने लगा। भारतीय ट्राइबल पार्टी से गुजरात के विधायक छोटू भाई वसवा ने ट्वीट किया है कि लगभग 10 लाख अभ्यर्थी सिविल परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि यूपीएससी 927 कैंडिडेट नहीं चुन पा रही है? वहीं हितेश पितड़िया कहते हैं कि यूपीएससी 2019 के परिणामों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। यूपीएससी 2019 के परिणाम देखकर ऐसा लगता है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी को कमजोर कर रही है और लिटरल एंट्री से आईएएस जैसे उच्च सर्वोच्च पदों को भर रही है। हम आपको बताते चलें कि 2014 से मोदी सरकार ने आईएएस जैसी सर्वोच्च पदों पर लिटरल एंट्री यानी बैकडोर से नियुक्तियां कर रही है। इन पदों पर सरकार शैक्षणिक जगत और निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आईएएस के पदों पर सीधे नियुक्ति करती आ रही है। लिटरल एंट्री द्वारा आईएएस के पदों की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए मीडिया मिरर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।